5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहा अतीक अहमद का बेटा अली अब सरेंडर की तैयारी में है। इसके लिए कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अर्जी डाली है। पिछले 11 दिनों से करेली पुलिस उसकी तलाश में लगी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हासिल नहीं किया जा सका है। यही नहीं, घटना के बाद से ही फरार चल रहे उसके साथियों तक भी पुलिस नहीं पहुंच सकी है। 30 दिसंबर को जिसान और जानू ने अली समेत 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ करेली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका आरोप है कि अली और उसके साथियों मोहम्मद अशद, आरिफ और खचौली, संजय, इमरान, सैफ, अमन, कुल्लू और 15 अज्ञात लोगों के साथ असलहों से लैस होकर उसके प्लॉट पर आए और जेसीबी से कार्यालय को ढा दिया। यही नहीं, कनपट्टी पर पिस्टल चढ़ाकर अली ने अपने अब्बा से बात कराई, जिसमें जमीन उसकी बीवी के नाम करने या तो 5 करोड़ रुपया पहुंचाने की बात कही गई। यही नहीं, इसके बाद उसके और उसके रिश्तेदार समेत 2 लोगों को जमकर पीटा गया। अतीक अहमद के लड़के उसके सब लोगों ने देखे, पूरा प्लाट गिरा दिया हमारा, कब्जा करें, सबको बुलाओ तुरंत। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस का दावा है कि उसकी तलाश में ताबातोड़ दबिश जारी है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल सका है। इधर अली की ओर से सरेंडर के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई है।